अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास के उर्दू का दरक्षा की किताब से चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है फरार। क्या नाम है चैप्टर नंबर 3 का? फरार। और ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने के बाद आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और वैसे ये जो चैप्टर है ये एक अफसाना है, यानी कि कहानी है। मैं आप लोगों को बार बार बताई हूँ, अफसाना मतलब कहानी, स्टोरी, किस्सा और कहानी को ही अफसाना कहते हैं, ठीक है। तो फरार नाम का ये जो चैप्टर है ये एक अफसाना है, और अफसाना में भी एक नफ्सियाती अफसाना है, ठीक है, यानी कि साइकोलॉजिकल स्टोरी है। हिंदी में बोलते हैं हम लोग मनोवैज्ञानिक कहानी, ठीक है। ये जो फरार नाम का अफसाना है ये साइकोलॉजी पर आधारित है। अब यहाँ पर बात आती है कि साइकोलॉजी क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं मालूम होता है कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी किसे कहते हैं। वो नाम सुनकर ही निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ कुछ होगा, साइकोलॉजी हाई फाई नाम लग रहा है, कुछ होगा। लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी है क्या। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, साइकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान, यानी कि मन और व्यवहार के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान जो है वो एक सब्जेक्ट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिस तरह आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी सब्जेक्ट है, बिल्कुल उसी तरह साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी प्राणी, किसी भी इंसान के मन और व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी के अंदर ना हम किसी भी इंसान के माइंड को समझते हैं, पढ़ते हैं कि कोई भी इंसान कैसे सोच पाता है, कैसे वो एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी को करता है, कैसे इंसान व्यवहार को करता है, उस इंसान को कैसे मालूम कि दुख की घटना सुनकर रोया जाता है, दुख महसूस की जाती है, और कैसे मतलब उस इंसान को मालूम चल जाता है कि सुख की मतलब खबर सुनकर, यानी कि अच्छी खबर सुनकर इंसान खुश होता है। ये किसी भी इंसान को कैसे मालूम होता है, क्यों डर लगता है, भूत प्रेत से लोग क्यों डरते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, इंसान कैसे सोचता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे किसी बात को बोलता है। अभी मैं आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ, ये मैं कैसे मतलब बता रही हूँ आप लोगों को, ये सारी चीज़ों का अध्ययन, सारी चीज़ों का स्टडी जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत की जाती है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजी। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो किसी भी इंसान के चेहरे को ही देखकर बता सकते हैं कि वो इंसान अपने मन में क्या सोच रहा है। इतना ब्रिलियंट माइंड के होते हैं साइकोलॉजिस्ट, जो कि साइकोलॉजी को पूरा पढ़े रहते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी ना बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट साइकोलॉजी, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। अभी यहाँ पर बात आ गई तो मैं आप लोगों को बता दी। फिलहाल अब आप लोगों को आई थिंक, मुझे लग रहा है कि साइकोलॉजी समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, मनोविज्ञान मतलब मन और व्यवहार के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि फरार नाम का जो ये अफसाना है ये साइकोलॉजी पर ही आधारित है। वैसे मैं आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी, सबसे पहले इस चैप्टर के मुसन्निफ़ यानी कि राइटर के बारे में समझ लीजिए, इसके बारे में जानना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप लोग जानते ही है, पूछ ही देता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के मुसन्निफ़ का नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन। क्या नाम है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। और ये जो है नफ्सियात के प्रोफेसर है, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे सैयद मोहम्मद मोहसिन, जो कि फरार नाम के अफसाने के राइटर है, लेखक है, वो नफ्सियात के यानी कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। तो सोचिए साइकोलॉजी के प्रोफेसर होंगे तो साइकोलॉजी पर आधारित ही ना ये कहानी लिखेंगे, कोई भी अफसाना लिखेंगे, ठीक है। ये इनके अफसानवी मजमूए यानी कि कहानी का किताब का नाम दिया गया है आप लोगों के बुक में, जिसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। ये जो अनोखी मुस्कुराहट है ये कहानी की किताब का नाम है, और ये क्वेश्चन पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है। और यही अनोखी मुस्कुराहट नाम की कहानी की किताब से ही सैयद मोहम्मद मोहसिन बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, ठीक है। बहुत ही फेमस हुआ ये अनोखी मुस्कुराहट नाम का कहानी का किताब। इस कहानी की किताब में ना सबसे ज़्यादा सैयद मोहम्मद मोहसिन साइकोलॉजी पर आधारित ही कहानी लिखे हैं, और इसीलिए यही वजह है कि अनोखी मुस्कुराहट नाम का ये कहानी का किताब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और उसके साथ साथ सैयद मोहम्मद मोहसिन भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए, ठीक है। अब देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई है, ये क्वेश्चन पूछ देता है, और इसीलिए आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है कि कौन से लेखक की पैदाइश कब हुई है और किस जगह पर हुई है। तो यहाँ पर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। और इनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद, पिताजी का सैयद मोहम्मद रशीद नाम है। आगे बढ़िए, 1926 ईस्वी में राम मोहन राय सेमिनरी पटना से मैट्रिक, और 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से आईए किए, ठीक है। और 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ यानी कि साइकोलॉजी के साथ बीए ऑनर्स, और फिर नफ्सियात में ही यानी कि साइकोलॉजी में ही पटना यूनिवर्सिटी से वो एमए पास किए। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। और फिर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया,
ठीक है, तो ये जो डिटेल्स में लिखी हूँ ये याद करना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए सैयद मोहम्मद मोहसिन किस कॉलेज से आईए किए थे, तो वो था पटना कॉलेज। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1953 ईस्वी में वह शिबाए नफ्सियात में सदर शिबाए नफ्सियात मुकर्रर हुए, फिर 1974 ईस्वी में अपनी मुलाजमत से सबकदोश हुए। देखिए 1953 ईस्वी में ना वो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के क्या हो गए, सदर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। और उसके बाद से 1974 ईस्वी में वो अपने जॉब से, जो कि शिबाए नफ्सियात डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के प्रेसिडेंट थे, वहाँ से वो इस्तीफ़ा दे दिए, क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया सैयद मोहम्मद मोहसिन का। आगे बढ़िए, नफ्सियाती मजामीन यानी कि साइकोलॉजी में इन्होंने क्या लिखा है, मजमून भी लिखा है, ऐसे भी लिखा है इन्होंने, जिसका नाम है नफ्सियाती जाविये, ठीक है। ये क्या है, नफ्सियाती मजामीन है, यानी कि साइकोलॉजी में ऐसे लिखा गया है, साइकोलॉजी के आधार पर ये ऐसे लिखा गया है, निबंध लिखा गया है, जिसका नाम है नफ्सियाती जाविये, ठीक है। और शेरी मजमे भी इनका है, यानी कि शेर व शायरी का किताब, जिसका नाम है ज़ख्म के फूल, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और उनके तीन बेटे, सैयद मोहम्मद मोहसिन के तीन बेटे और चार बेटियाँ थी, और आप 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा भी अदा किया, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ना 1973 ईस्वी में अपनी वाइफ के साथ हज करने भी गए थे, ठीक है, और इन्होंने हज का फ़र्ज अदा किया था। और सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल हुआ है, यानी कि उनकी मौत हो गई है 2002 ईस्वी को, इलाज के दौरान ही दिल्ली में हुई थी इनकी मौत। तो ये हो गया आप लोगों का सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब मैं आप लोगों को इस कहानी को बताती हूँ, जो कि फरार नाम का ये एक अफसाना है। देखिए इस फरार नाम के अफसाने में ना ये चीज़ बताई गई है कि अगर बच्चों का जो है बचपन अच्छा से ना गुजरे ना, तो उसका असर उसके ज़िंदगी पर पड़ता है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को पूरा शुरू से कहानी बताती हूँ। देखिए फरार नाम के अफसाने में जो है ना एक किरदार है जो कि मेन कैरेक्टर है, मेन किरदार है, जिसका नाम है महमूद। महमूद जो है फरार नाम के अफसाने का मेन कैरेक्टर है, किरदार है, जो कि मेन रोल निभा रहा है। महमूद जो है ना बच्चा रहता है और उसका बचपन अच्छा से नहीं गुजरता है, जिसकी वजह से उसका असर उसकी ज़िंदगी पर पड़ता है। देखिए महमूद जब बच्चा रहता है ना, तो उसकी माँ जो है ना बहुत झगड़ालू और अड़ियल और बहुत ख़तरनाक टाइप की रहती है। वो कुछ औरतें नहीं होती है ख़तरनाक टाइप की, बिल्कुल उसी तरह इसकी माँ भी रहती है, महमूद की माँ, जो कि अपने हस्बैंड को, अपने शौहर को डांटती और फटकारती रहती है हमेशा, और हमेशा गुस्सैल टाइप की और झगड़ालू टाइप की, मतलब ये रहती है महमूद की माँ, ठीक है। जब महमूद छोटा रहता है ना, तो ये जो है ना वो अपनी माँ की हर एक एक्टिविटी को देखता है कि उसकी माँ किस तरह गुस्सा हो, कितना ख़तरनाक है, और वो अपने शौहर को किस तरह डांटती और फटकारती रहती है। ये उसके बचपन में ही उसके जहन में बैठ गया रहता है कि औरतें जो होती है ना वो ख़तरनाक होती है। वो सिर्फ अपनी माँ को देखकर ये बात अपने जहन में बैठा लिया था महमूद, ठीक है। एक बार की बात है कि महमूद जो है वो अपने कमरे में बैठकर मैथ बना रहा था, ठीक है, तो उसकी माँ का आवाज़ आया, महमूद, ठीक है। तब तक महमूद डर के मारे खड़ा हो गया, किताब छोड़ छाड़ कर, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि उस महमूद के कान में घंटी बजने लगी खतरे की, ठीक है। अब सब कुछ, अभी किताब बंद, बिना बंद किए ही दौड़कर अपनी माँ के पास गया, ठीक है। सोचिए कितना डरा सहमा रहता था अपनी माँ से, उसकी माँ भी तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी ना, बहुत झगड़ालू टाइप की। तो दौड़ कर गया और जाकर अपनी माँ के सामने सर झुका कर खड़ा हो गया, ठीक है। तो उसकी माँ बोली, जाओ उन्हें बुला कर लाओ। कि नहीं बुला कर लाओ, अपने पापा को बुला कर लाओ, मतलब अपने वालिद को बुला कर लाओ। अब महमूद गया और जाकर वह अपने वालिद से बोला कि अम्मी बुला रही है आपको। अब देखिए उनके वालिद जो है वो बोले कि मुझसे क्या काम है, गुस्सा है तो रहा करें, मुझसे क्या काम है, ठीक है, चलो मैं आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कमज़ोर आवाज़ में जो है ना महमूद के पिताजी बोले और उठ कर आने लगे। अब महमूद के वालिद की बात सुनकर महमूद की माँ जो है वो बोलने लगी कि मेरी किस्मत ही फूटी थी जो आपके साथ मेरी शादी हो गई, ठीक है। अब ये बात सुनकर महमूद के वालिद यानी कि उनके पिताजी बोले कि आखिर बताओगी भी कि हुआ क्या है, कि बकते ही जाओगी, ठीक है। अब ये बात सुनकर महमूद की माँ और भी गुस्सा हो गई, बोलने लगी कि हाँ हाँ मैं कमीनी ही, मैं बकवास करती हूँ, मैं एक नंबर की पागल हूँ, ठीक है। अब ये बात सुनकर महमूद के वालिद बोले, अरे मैंने तुमको कब पागल कहा है, आखिर बता भी दो, आखिर हुआ क्या है, क्यों इतना गरज रही हो, ठीक है। उसके बाद उसकी माँ, मतलब महमूद की माँ बोली कि आपको मैं बार बार मना की हूँ, उस वकील के घर मत जाया कीजिए, और उसके घर बार बार चले जाते हैं। उस वकील की बीवी जो है वो मुझे डायन बनकर निगलने के फिक्र में है, और तुम उससे जाकर मीठी मीठी बातें करते हो। ये बात सुनकर महमूद के वालिद बोले उनके पिताजी कि अरे जरा धीरे ही बोलो, मोहल्ले वाले सुन लेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसकी माँ बोली कि सुनते हैं तो सुन लेने दीजिए, सही तो मैं बोल रही हूँ,
ऐसे औरतें नहीं बोलती है उसी तरह। तो ये जो घटना है ना महमूद के सामने सब होता था और महमूद इस तरह की घटना को देखता था और वो अपनी माँ को हर एक एक एक्टिविटी को देखता था और वो देखता था कि उसकी माँ कैसे अपने शौहर को अपने हस्बैंड को कैसे डांटती और फटकारती रहती है। और इससे ये सारी चीज़ें देख कर ना महमूद के वो बचपन में ही उसके जहन में ये बात बैठ गई रहती है कि औरतें जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजर और ख़तरनाक होती है। और जब भी महमूद औरतों को देखता है मतलब उससे डर लगने लगता था, ठीक है, महमूद कांपने लगता था, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता था, ठीक है। तो ये हुआ था महमूद के साथ बचपन में। और उसके लिए ये जो अभी जो मैं बताई घटना, ये इसके लिए कुछ नई बात नहीं थी, ऐसा हर रोज़ हुआ करता था। हर रोज़ जो है महमूद बचपन में अपनी माँ को अपने शौहर को डांटते फटकारते हुए देखता और यही बात उसके जहन में बैठ गई थी। और 10 साल का जब महमूद था तो वो यतीम हो गया, वालिद और वालिदिन माता पिता का इंतकाल हो गया और उसके बाद से महमूद को जो है ना उसके मामू के घर भेज दिया गया। मामू के घर जाने के बाद वहाँ पर जो है उसकी असली परेशानियाँ, ज़िंदगी की असली परेशानियाँ शुरू हुई। खुद अपने मामू के घर रहता था और वहीं से कॉलेज जाया करता था और कॉलेज में भी वो डरा सहमा रहता था और कॉलेज में भी उसको बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ता, ठीक है। उसके जो दोस्त रहते महमूद वो उसको चढ़ाते थे महमूद को कि देखो खालिदा तुमको कैसे देख रही है, काश मेरे को भी वो इसी तरह देखती, लेकिन तुम हो कि तुम उसको भाव ही नहीं देते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और तो महमूद बोलता कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, खालिदा मुझे ऐसे ही देखती है, लेकिन उसके दोस्त जो है वो बोलते कि नहीं खालिदा तुमको चाहती है, ठीक है। तो इसी पर अब उनके जो दोस्त हैं महमूद से शर्त लगाए, बोले कि देखो इस जगह पर मैं कल खालिदा को बुला कर लाऊँगा, महमूद तुम भी आना और देखना, वो बताएगी कि तुम वो तुमको चाहती है खालिदा, ठीक है। तो बोला कि ठीक है शर्त मंजूर है, कल मैं आ जाऊँगा, महमूद बोला, ठीक है। अगले दिन जो है उनके दोस्त जो है खालिदा को लेकर उस जगह पर पहुंच गए और महमूद रास्ते में ही था, उस जगह पर आने वाला था, लेकिन रास्ते में ही उसको एहसास हुआ, उसके अंदर से आवाज़ आई कि महमूद तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये लड़की लड़की के मामले में मत पड़ो, ठीक है, बिल्कुल गलत है। और महमूद को एहसास हो गया कि नहीं मुझको उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, ये चक्कर में नहीं मुझे पड़ना चाहिए। और रास्ते में ही जो है ना महमूद रुक गया और वहीं से फिर वापस लौट आया, उस जगह पर नहीं गया, ठीक है। अगले दिन उसके दोस्त पूछे कि तुम तो वादा किए थे उस जगह पर आने के लिए और खालिदा से मिलने के लिए, तो फिर तुम क्यों नहीं आए? तो महमूद बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए नहीं आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियों का महमूद का अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके, कंपिटिटिव एग्ज़ाम पास करके वो एक डिप्टी कलेक्टर बन गया, कौन, महमूद, ठीक है। अब महमूद जो है अपने घर में आता तो उसके घर के अंदर की घड़ी की जो टक टक, दीवार घड़ी जो लगी रहती ना उसकी टक टक की आवाज़ सुनाई देती और उसके घर का सन्नाटा उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था महमूद को। तो उसे लगा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या किया, दो चार बहुत सारे रिश्ते आए थे महमूद के लिए, क्योंकि वो तो डिप्टी कलेक्टर बना हुआ था ना, तो बहुत सारे रिश्ते आए थे, तो उसी में से एक रिश्ता को वो मंजूर कर लिया। महमूद जिस लड़की से रिश्ता करने के लिए, शादी करने के लिए तैयार हुआ, उस लड़की का नाम था जबीदा, याद रखिएगा, जबीदा, जो कि अभी मैट्रिक नहीं पास की थी और उसके घर वाले बोल रहे थे कि जब ये मैट्रिक पास कर लेगी तभी मतलब महमूद से शादी होगा, ठीक है। तो महमूद भी रुका हुआ था कि वो जो जबीदा है वो मैट्रिक का इम्तहान पास कर ले फिर ही तभी मैं शादी करूँगा, ठीक है। उसके बाद से उस जबीदा का मैट्रिक का इम्तहान हुआ और बहुत अच्छे नंबरों से वो जबीदा है वो पास भी हो गई और उसके बाद से शादी की तैयारी धूमधाम से होने लगी। महमूद जो है वो अपने जॉब से 2-3 महीने के लिए छुट्टी ले लिया क्योंकि उसी की शादी होने वाली थी और सभी अपने गेस्ट लोगों को बुलाया, शादी की तैयारियाँ धूमधाम से होने लगी, शादी का दिन भी आ गया और शादी के दिन जो है महमूद लड़की के घर गया, यानी कि वो अपने ससुराल गया और वहाँ पर जाकर निकाह भी हो गया। लेकिन जैसे ही महमूद अपने ससुराल के घर में कदम रखता है ना, वहाँ पर एक साथ ढेर सारी औरतों को देखता है, तो उसका तो मतलब हालत ही ख़राब हो गया, क्योंकि वो बचपन में क्या देखा था कि औरतें जो होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक और झगड़ालू टाइप की होती है, बहुत डेंजर होती है। अब वो एक साथ बहुत सारे औरतों की भीड़ देख लिया उस शादी में, ठीक है, और उसके बाद से उसकी ऐसी हालत ख़राब हुई, वो ऐसा गुम और सन्नाटा हो गया कि मतलब उसके शरीर ठंडे पड़ने लगे और उसके मुँह से कुछ आवाज़ भी नहीं आ रहा था, अचानक गिर पड़ा वहीं पर, ठीक है। अब उसके जो महमूद के जो ससुर थे, ससुर मतलब समझते हैं ना, मतलब महमूद के जो जिससे शादी हुई थी उसके बाप,
ठीक है, उनके वालिद को बोलते हैं ससुर। तो वो आए और महमूद के चेहरे पर पानी छिड़का गया, फिर भी उसको होश नहीं आ रहा था। वो मतलब ऐसे गुमसुम सा हो गया था उन औरतों की भीड़ को देखकर, एकदम उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसके मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं आती है। ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी बोलना सीखा ही नहीं है। और यहीं पर ये जो आप लोग का कहानी है ये ख़त्म होता है। मैं सारा आप लोग को कहानी बता दी, जो कुछ भी आप लोग के किताब में दिया गया था वो सारा चीज़ मैं आप लोग को एक एक डिटेल बता दी, ठीक है। तो आई थिंक जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई वो समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो क्या आप इस वीडियो को अपने पास ही रखेंगे? दूसरों के पास भी शेयर कीजिए, अपने पड़ोसियों के पास, अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। लेकिन लाइक एक ही बार कीजिएगा, क्योंकि लाइक एक ही बार होता है, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।